खुश आमदीद कहते हैं आपको दोबारा से। और आज फिर से बात करेंगे कायद आजम की सालगिरह के हवाले से। आज यौम कायद मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में। जहां जहां भी पाकिस्तानी बसते हैं वहां पर यौम कायद मनाया जा रहा है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में दो बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं जिनसे मैं आपका तारुफ करवाना चाहूंगी। डॉक्टर जाहिद शमसी साहब हैं जी, और ये हैं प्रेसिडेंट आर्ट एंड लाइफ पाकिस्तान। और कायद आजम की ज़िंदगी के हवाले से इन्होंने बहुत कुछ लिखा, पोइट्री भी करते हैं और इसके साथ साथ बहुत सारी किताबें भी इन्होंने लिखी। दूसरी जानी मेरे साथ मौजूद हैं जी यास्मीन रियाज साहिबा, जो कि हैं सैयद रियाज अली शाह, जो कि कायद आजम के पर्सनल फिजिशियन थे, उनकी साहिबजादी हैं। बचपन जो है वो इन्होंने कायद आजम को बहुत देखा और उनकी जो है वो ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा भी, किताबें भी लिखी, मुसव्वरी भी करती हैं। और इसके साथ साथ ये जो आप इस साइड पे कायद आजम की एक तस्वीर देख रहे हैं ये भी इन्हीं की जानिब से बनाई गई है। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आपसे आगाज़ करेंगे, आज यौम कायद भी है, कायद आजम की सालगिरह मनाई जा रही है। जी, सबसे पहले तो मैं नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम अर्ज करूँगा। हमारा पाकिस्तान जो है वो हंसता बसता रहे, सब सलामत रहे। और आज यौम कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह है, उनकी विलादत का दिन है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें मौका दिया है, इज्जत अफजाई दी है, और हमारे लिए इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती है कि हम अपने कायद पर गुफ्तगू करेंगे। सारी कौम को यौम विलादत हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल जी, बहुत बहुत मुबारक हो हमारी जानिब से भी। यास्मीन साहब, आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहना चाहेंगी? आज कायद की सालगिरह भी है और आपने बचपन में बराह रास्त खुद से उन्हें देखा भी। एब्सोल्युटली जी, मैं तो इतनी खुश हूँ। और नाज़रीन, बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो। और ये जागो लाहौर हमें आप चैनल ने बुला के बड़ी हमारी इज्जत अफजाई की है और हम कुछ कह सकते हैं। और कायद पर तो अपनी जान भी हाजिर है जी, मैंने इन आँखों से देखा, उन्होंने मेरे सर पे अपने हाथ से प्यार दिया, और ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। उनका नाम आता है तो मैं तो अपने उस दौर में चली जाती हूँ बचपन के, और सदा यादें उनकी ताज़ा रखती हूँ। अपने मुल्क की खिदमत के लिए हूँ और चाहता है कि ऐसे ही ज़िंदगी गुजर जाए, कुछ कर जाएं हम कायद के लिए। बिल्कुल, कुछ कर जाएं। अच्छा, आपने उन्हें बचपन में देखा, बहुत छोटी थी जब वो आपके घर भी आना जाना था। वालिद साहब आपके उनके पर्सनल फिजिशियन। जी जी, ऐसा ही। कैसा पाया उन्हें? बहुत, एक मेरे लिए तो वो एक पहाड़ की मानिंद थे, एक खूबसूरत इंसान थे। और जब भी उनको देखना तो यही सोचना, ये पाकिस्तान हमें दिया है, इन्होंने पाकिस्तान दिया है, ये इतने अजीम और बड़े इंसान हैं। तो ऐसे ही बचपन में उनकी यादें ताज़ा रहीं। और क्योंकि मेरे वालिद साहब डॉक्टर सैयद रियाज अली शाह उनके पर्सनल फिजिशियन थे, तो इसलिए ज़ियारत में उन्होंने उनका इलाज किया, तो हमें वहाँ साथ रहना पड़ा फैमिली को, अब्बा के साथ वहाँ चल्तान होटल में क्वेटा में। तो उनसे उनकी ज़ियारत भी हो जाती थी कभी कभी, और उनकी बातें भी होती थी। मोहतरमा फातिमा जना आती जाती थी और मेरी अम्मी की बेहतरीन दोस्त थी। अच्छा, आपकी अम्मी की फातिमा जना बेहतरीन दोस्त जी थी। कायद आजम का भी आपके घर आना जाना था। मिजाज के कैसे थे? बहुत मोतबर थे, बहुत तहम्मल, मगर उनमें एक खूबसूरती भी थी, इनोसेंट भी थे और काइंड भी थे जहाँ उनको होना होता था, और ख़ासतौर पे बच्चों के साथ बहुत काइंड थे। अच्छा, आपको कुछ यादें याद हैं कि आपको कुछ सिखाया हो कि बच्चे पाकिस्तान बना है, आपने ऐसा रहना है, ऐसे किरदार निभाना है? आपको कुछ याद पड़ता है कि आपको कुछ उन्होंने कहा हो, कुछ नसीहत की हो, कुछ सिखाया हो? बहुत इतना उन्होंने जी, उन्होंने और फातिमा जना दोनों ने बहुत हमसे गुफ्तगू भी की, और यही कहते थे पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पढ़ना, लिटरेसी पे बहुत ज़ोर होता था। मेरे वाले साहब को भी कहा करते थे कि बच्चे कहीं ना कहीं आगे जाएं ज़रूर। तो बहुत ये उनकी इतनी सी बात इतनी बड़ी होती थी, और ऐसा ही था कि पाकिस्तान के लिए तो वो एक अजीम लीडर, एक अजीम इंसान, और वैसा लीडर तो दुनिया में हो सकता ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। बातों का सिलसिला हमारा यूं ही जारी रहेगा, लेकिन हमारे साथ जो सिंगर भी मौजूद हैं, वहदत खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं जी दाऊद जस्टिन हैं, जो कि तबले पे मौजूद हैं। आपसे कहेंगे क्या सुनाने वाले हैं, आज यौम कायद भी है और खास मौका भी है, मुनासिबत भी है। मैं सुनाता हूँ मिल्लत का पासवान। जी जरूर। वाह, मिल्लत
ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. تصویر عزم جان وفا روحِ حریت, تصویر عزم جان وفا روحِ حریت, ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناح, ہے کون بے گماں ہے محمد علی جناح. ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے, ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے, ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے, تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح, تقدیر کی اذان ہے محمد علی جناح. لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر, لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر, لگتا ہے ٹھیک جا کے نشانے پہ اس کا تیر, ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح, ایسی کڑی کماں ہے محمد علی جناح. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. واہ کیا بات ہے وحدت, کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت. ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح, ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح. اچھا بڑا خوبصورت آپ نے گایا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے والے نے بھی بہت کماں کیا, کڑی کمان اور تین نشانے پہ, یعنی کماں تمام جو اسپیکٹ ہیں کسی بھی بات کے, کسی میسج کے اس میں تھا. جی اس ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ نے جسے جو دیا نا, وہ اس کے ذریعے اس ملک کی خدمت کرے چاہے وہ کسی بھی شعبے. بڑا خوبصورت وحدت نے پیغام بھی دیا, لیکن وحدت آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ داؤد نے بڑا خوبصورت طبلہ پلے کیا, آپ نے بہت اچھا گایا, یعنی آپ نے اپنا اپنا کردار نبھایا, پھر ہی یہ ٹریک جو ہے وہ ہمیں سننے والوں کو بہت مزہ آیا. بس آج خوشی کا دن ہے, آج تو جیسے ہماری عید ہے, میں یہی کہوں گا, تو ہمیں خوشی ہو رہی ہے اور ہم ایک جذبے سے جو بھی تھوڑا بہت کر رہے ہیں کوشش. باتوں کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے. جو صبح کو سورج طلوع ہوا تھا اس نے بڑے صغیر کے مسلمانوں کے لیے روشنی بکھیری, اور آج تک وہ سورج نہ غروب ہوا ہے نہ کبھی ہو سکے گا. باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا, یہاں وقت ہے ایک بریک.